भोजपुरी में पवन सिंह के बाद अगर किसी की गायकी को बहुत अच्छा माना जाता है तो वो कोई और नहीं रितेश पांडे हैं। और इसके लिए भाई कुछ कोई भी किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेलो कौन आप देख लीजिए भोजपुरी का अब तक का सबसे बड़ा सॉन्ग। हाँ ये बात और है, उसे रितेश ने हिंदी में गाया है, लेकिन व्यूज़ अभी तक किसी भी भोजपुरिया कलाकार के किसी भी गाने से सबसे ज़्यादा है। खैर हम आपको ये बता दें कि रितेश पांडे ने अपने गुरु पवन सिंह, अपने कॉम्पिटिटर खेसारी लाल यादव और उनके आसपास जितने भी सिंगर हैं उन्होंने उन्हें पछाड़ दिया है। अब आप ये कहेंगे कैसे, तो हम आपको बता दें कि रितेश पांडे का एक गाना पूर्वी वयरिया जो कि म्यूज़िक में यूट्यूब के लगातार 10 दिन से नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये भोजपुरी इतिहास में पहला रिकॉर्ड होगा, जी हाँ, जो कि खुद खेसारी लाल यादव के इंसान खिलौना है गाने को तोड़कर बनाया गया है। जी हाँ, रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, और जब रितेश पांडे जैसी आवाज़ हो तो ज़रूर रिकॉर्ड बन जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये गाना लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि अभी तक YouTube के ट्रेंडिंग पोजीशन से नहीं हटा है। रितेश पांडे अपने गुरु पवन सिंह को बहुत मानते हैं और उन्हीं की आवाज़ में सिमिलर उन्हीं की आवाज़ में गाते हैं, और एक अच्छा खासा पवन सिंह की फ़ैन फॉलोइंग का एक अच्छा खासा वर्ग उन्हें पसंद करता है। साथ ही साथ रितेश पांडे अपनी शादी को लेकर भी सुर्खियों में थे पिछले दिनों। आपको बता दें कि अपने एक इंस्टा पोस्ट में अभी तक भोजपुरी में जो किसी ने नहीं किया वो रितेश पांडे ने किया। अपनी पत्नी को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं रितेश पांडे, जबकि भोजपुरी में ये कोई नहीं करता अपनी पत्नियों को, फिर वो चाहे खेसारी हो, चाहे निरहुआ हो या पवन सिंह हो, इस तरह से अपने आप को लकी फील नहीं करते हैं कि हाँ मेरी पत्नी की वजह से मैं लकी हूँ, इस तरह वाली कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन रितेश पांडे ने अपनी पत्नी के लिए एक बहुत ही प्यारा पोस्ट लिखा और ये कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।